कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर शाफी सादी की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शाफी सादी की मेंबरशिप को बर्खास्त करने वाले मामले पर हुकूमत कार्रवाई करे और उसकी तफसीली रिपोर्ट 27 जुलाई को पेश करे। शाफी सादी पर मामला दर्ज है करप्शन का, यानी कि एक मस्जिद की कंपाउंड जो सादिया मस्जिद है बैनरगट्टा रोड पर, उसकी कंपाउंड के लिए गैर कानूनी तौर पर हुकूमत से रकम हासिल करने का इन पर इल्ज़ाम है और मुकदमा चल रहा है। अनवर मानपाड़ी ने यह मुकदमा दायर करवाया है। कुल मिला के शाफी सादी पर यह मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें यह कहा है कि क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 के तहत कार्रवाई करें और इसकी रिपोर्ट 27 जुलाई को पेश करें। शाफी सादी हुकूमत के नॉमिनेट मेंबर हैं जो मौलाना के सुन्नी आलिम के कोटे में नॉमिनेट हुए हैं और इन पर इससे पहले भी अनवर मानपाड़ी ने इल्ज़ाम लगाया था और डॉक्यूमेंट के साथ लोकायुक्ता में कंप्लेंट किया गया था। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट ने जो है इस तरह का हुक्म जारी किया है जिससे शाफी सादी की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब शाफी सादी का कहना है कि कोर्ट ने इनकी मेंबरशिप को बर्खास्त करने का हुक्म नहीं दिया है बल्कि तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हुकूमत उसकी इंक्वायरी करके वक्फ बोर्ड की जानिब से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो हुकूमत को पेश की जाएगी। इन्हें कोई इनकी मेंबरशिप को ख़तरा नहीं है। लेकिन अनवर मानपाड़ी का कहना है कि शाफी सादी के डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं, सबूत मुहैया किए गए हैं और कोर्ट ने स्ट्रांगली इसमें ऑर्डर जारी किया है और इन पर जो है कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी से इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करें और इनकी मेंबरशिप को बर्खास्त करें। हम आपको सुनाते हैं कि अनवर मानपाड़ी से जो फ़ोन पे बातचीत हुई है उसकी तफसीलात हम आपको सुनाते हैं। अनवर मानपाड़ी साहब, मैं शाहिद खाजी बोल रहा हूँ सलाम टीवी से। अलैकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाफी सादी साहब के ताल्लुक से जो केस चल रहा था उस ताल्लुक से कुछ सवाल थे आपसे पूछने। अभी कोर्ट का जो ऑर्डर आया है एग्जैक्टली क्या ऑर्डर है, क्या आप उसे ये कर रहे हैं? मैं कोर्ट ऑर्डर पहले पढ़ दो है? जी जी बोलिए। ठीक है ना जी। इन व्यू ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ द फोर्थ रेस्पोंडेंट शाफी सादी है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनेक्शन ई, द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर वेदर इट इंटेंड्स टू टेक द एक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ द फोर्थ रेस्पोंडेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 of section 20 of the Wakf Act 1995 to enable the state government to take instructions and make submissions, list the petition on 27 July 2021. Judge Chief Justice and Suraj Govind Raju, case number WP 7273/2021, date of order 1/7/2021. इसका मायना क्या है? ये जो ऑर्डिनरी इंग्लिश में लिखा है वो कहता है अंडर सेक्शन सो एंड सो स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर whether it intends to take the action in accordance with the clause. क्लॉज का तरीका से और रिबोल कॉड तरीका से वो एक्ट करते कि नहीं कि पूछा और वो उसके बारे में 27 वो सब का काम करने के लिए 27 तक टाइम दिया है। यानी क्या हुकूमत को वो पूछ रहा है कि कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि आप रिमूवल के बारे में एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे 27 को बताओ। हाँ तो सेक्शन वो सेक्शन और एक्ट का एक्ट ऐसा बोलता है रिमूव करना है घर को, तुम क्या करता है घर को हमारे को बोलना है घर को। अच्छा, अब जब अब उसको गवर्नमेंट उसको साथ दिए तो है और टैम्परिंग रिकॉर्ड्स टैम्परिंग करने के करे तो वो क्लियर कट है हमारा गवर्नमेंट उसको साथ है। हमारे गवर्नमेंट नहीं, हमारा चीफ मिनिस्टर उसके साथ थे करके बोलूंगा मैंने। चीफ मिनिस्टर और उसका बेटा। हाँ तो अभी हमारा जो हमारा कौम के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कर रहे है बड़ा बड़ा अन्याय कर रहे है। ये कौन सा केस है सर? अभी ये जो शाफी सादी का जो केस चल रहा है ये क्या केस है? वो कंपाउंड वॉल बनने के लिए उसको जो मस्जिद है उसका सो कॉल्ड मस्जिद है
उसको एक बहुत साल पहले उसको इनॉग्रेशन हुआ था, एपी उस्ताद करके उसको बड़ा लीड लाके इनॉग्रेट किया। वो फोटोग्राफ सब है, वो फोटोग्राफ में वो प्लेक भी है, प्लेक डाला है वो कौन सा किसने इनॉग्रेट किया और कौन कौन था करके, उसका नेम है, उसका नाम भी है शाफी साजी का। और वो फोटो में क्लियर बताता है वो कंपाउंड वॉल है, उसके ऊपर क्या चाहिए। अब क्या बोलता है बुने ने, वो नहीं मैं दूसरा जगह को लिया करको, वो जगह नहीं दूसरा जगह, वो टेम्पर करके दूसरा नंबर डालेगा, मगर दूसरा नंबर डाले तो भी वो प्लेन लैंड है। जो ग्रांट जो दिया वो जो एग्जिस्टिंग मस्जिद को कंपाउंड बनने के लिए, प्लेन ग्राउंड को कंपाउंड बनने के लिए नहीं है। इतना बड़ा चोरी। और तो हमारे पांच लाख रुपए उनके अकाउंट में आए थे, उसको फ्रीज कर दिया गया था वक्फ बोर्ड की तरफ से, सैंक्शन करा दिया उन्हें, पांच लाख उसके अकाउंट में आया, तब वो सीज किया देखो, और शो कॉज नोटिस भी दिया। एक सीओ ने सीज करके शो कॉज नोटिस देने के लिए उसके पास प्रूफ होना, तब भी शाफी सैदी क्यों उसको प्रोटेस्ट नहीं किया और केस नहीं किया। तो अभी जो रिपोर्ट होना था वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो इंक्वायरी रिपोर्ट होना था, वो आई है क्या? पता नहीं मेरे को, अब क्या करते हैं को? ये लोग वो रिपोर्ट को टैपर करके दूसरा तरीका से बताए तो वो सीईओ की वो सब अंदर जाएगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो कुछ हमारे कौम को जो अब जो नीचे दिखाना काम जो कर रहे ये सरकार ने, हम छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हमारा इसमें भी हाथ डाले तो हम कैसे जिएंगे कर्नाटक स्टेट में। पर साहब ये बताइए, आपने ट्वीट किया था कि शाफी सादी को रिमूव कर दिया गया है। हाँ, तो उसमें वो मैं कैसे बोलता हूँ, जब मेरा आदमी जो हाईकोर्ट में हॉल में था, तब हाईकोर्ट जीव जैसे पूछा गवर्नमेंट लॉयर को, ये नहीं दो एंत व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज दिस, व्हाई यू हैव सच काइंड ऑफ पीपल, सच काइंड ऑफ पीपल इन द बोर्ड हु आर लूटिंग द गवर्नमेंट मनी, व्हाई शुड यू दे हैव, दे शुड बी रिमूव्ड, एंड ही सेड। एंड वो लड़का जो सुना मेरे तभी तब से तब मैंने को ये कर दिया, एक रिपोर्ट बिन मैं रू ऐसे ऐसे हुआ कर को, जब मैंने ट्वीट किया। और वो ट्वीट क्या उतना बड़ा गलत नहीं है वो ट्वीट? तो इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्वीट किया था वो जज के वर्डिंग्स पे जो है आपने ट्वीट किया था, और अभी जो ऑर्डर बाहर आया है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट को कोर्ट ने कहा है कि आप इसको एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये बताएं। हाँ, तो ये उसको मैंने क्या, उन्होंने उसका गलत पकड़ा हुआ है वो कोर्ट में प्रूव होके, इसलिए वो कोर्ट गवर्नमेंट को पूछ रहे हैं। तो इस मंथ 27 को हियरिंग होगी। अब गवर्नमेंट गलत रिपोर्ट दिए तो हम हर लोग को मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट चोर के साथ ये कर को, सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस पूरे मामले में। जरूर जरूर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मानपड़ी साहब। माय प्लेजर। तो ये थे अनवर मानपड़ी। हम आपको अगले वीडियो में शाफी सादी साहब का इंटरव्यू भी सुनाएंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो सारे तफसीलात के साथ कल हमें सारे तफसीलात पेश करेंगे।